होना चाहिए। देखिए मैं 30 साल से शहर में रह रहा हूँ। आई फील दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन द सिटी इज़ गोइंग डाउन एवरी डे। अगर आप देखें हमारे शहर में कमर्शियल एरियाज़ हैं और रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं, रिक्रिएशनल एरियाज़ ओपन स्पेसेस बिल्कुल भी नहीं है। एंड इट इज़ रीचिंग अ पॉइंट वेयर द सिटी इज़ गेटिंग स्ट्रैंगल्ड, इज़ गेटिंग सफोकेटेड। वी हैव टू थिंक अबाउट फ्यूचर। इट्स नॉट इवन एट अ स्टेज वेयर वी हैव टू थिंक अबाउट आवर चिल्ड्रंस फ्यूचर, वी हैव टू थिंक अबाउट आवर फ्यूचर। अगले 10 साल में हम यहाँ जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, दिस सीम्स लाइक द ओनली सोल्यूशन। इस वक्त मेरी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू हुई है लेकिन ख़त्म नहीं हुई, सो इट्स लिटिल अर्ली टू टॉक अबाउट इट। अच्छा, थोड़ा कुछ बताना चाहेंगे अगर फिल्म के बारे में? निखिल अरवानी की फिल्म है, इट्स कॉल्ड कट्टी बट्टी। इस फिल्म में मैं पहली बार कंगना के साथ काम कर रहा हूँ। अभी हमारे 20-25 दिन खत्म हुए हैं, वी हैव एटलीस्ट 40-50 डेज ऑफ शूटिंग लेफ्ट, तो आई थिंक प्रोबेबली बाय फरवरी मार्च वी विल फिनिश शूटिंग।